तीसरा अध्याय, सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। ध्यान, जगदम्बा के श्री अंगु की कांति उदय काल के सहस्त्रों सूर्यों के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं, उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है, दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा हुआ है। वे अपने कर कमलों में जपमालिका, विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। तीन नेत्रों से सुशोभित मुखारविंद की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्न में मुकुट बंधा हुआ है और वे कमल के आसन पर विराजमान हैं। ऐसी देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करती हूँ। ऋषि कहते हैं, दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देखकर महादैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूहों को अनायास ही काटकर उसके घोड़ों और सारथियों को मार डाला, साथ ही उसके धनुष और अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बींध डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की भी बाई भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की बाह पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में ले लिया और उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश में गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आता हुआ देखकर देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए, साथ ही महादैत्य चिक्षुर की भी धज्जियां उड़ गईं और वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चिक्षुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने अपने ऊपर हुंकार से ही आहत और निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देखकर चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते हुए उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसी प्रकार उदर्ग भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया और कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशाही हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्धत का कचूमर निकाल दिया, बिंदीपाल से वाशकल को और बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीन नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवीर्य और महाहनु नामक दैत्यों को मार डाला। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को धड़ से काट गिराया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होते देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ कर दिया। किन्हीं को निथुन से मारकर, किन्हीं के ऊपर खुरों का प्रहार करके, किन्हीं किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सींगों से विदीर्ण करके, कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितनों को निश्वास वायु के झोंके से धराशाही कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। उससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा और अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गरजने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी।
उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा। हिलते हुए सींगों से आहत से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश में गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आता देखकर चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पाश फेंक कर उस महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया, अब तत्काल सिंह के रूप में प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई, त्यों ही वह एक खड़गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बींध डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणित हो गया तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गरजने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का रूप धारण कर लिया, पहले की ही भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगन्माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम से मद में उन्मत्त हुआ राक्षस गरजने लगा और अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी उसके पर्वतों को अपने बाणों के समूह से चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उसका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूढ़, जब तक मैं मधु पीती हूँ, जब तक तू क्षण भर के लिए खूब गरज ले, मेरे हाथ से यहीं तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषि कहते हैं, यूं कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैर से उन्हें दबाकर शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से अभी आधे शरीर से ही बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की भारी सेना भाग गई और संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया। गंधर्व राज गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगीं। इस प्रकार श्री मार्कंडेय जी पुराण में सार्वणिक मन्वंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म में महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो देवी मैया की जय। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।